विलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहाँ चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव विलासपुर आते। गांव की महिलाएं कुछ ना कुछ छोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा घुमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और पिताजी के ना आने तक तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। उस समय मूसलाधार बारिश का संकट था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ पापा कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वही मोनू के पिताजी वहां आ जाते हैं। भाग्यवान, हमें यहां से जल्दी ही निकलना होगा वरना हम यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहां रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहां? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना सब कुछ तो यही है, और हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा, और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। पिताजी, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें घूमड़ चाचा आवाज देते हैं। अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो, कुछ राशन हो तो वो भी ले लो और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जाने बचेंगी, वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे गांव में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे। चंद्रकांत अपने परिवार और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है माँ। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात। नदी के तट पर गांव वाले बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद ना राशन बचा ना ठिकाना, पानी भी समय के साथ साथ भरता जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होते रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें स्वयं इंद्रदेव से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे इंद्रदेव, कृपा करें, हमारे साथ बच्चे बूढ़े भी हैं। कृपा करें, उन बेचारों के प्राण संकट में हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर एक बड़ा सा उजाला आता है और इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस वर्षा का कारण स्वयं पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर वर्षा रोककर कृपा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे पुत्र के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जितने भी घर बनाएगा वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही वर्षा खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा वो देखते ही देखते बड़े से कागज के घर बन गए। सारे विलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अब भी जोरों से चल रही थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में
हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर पाए। चंद्रकांत घुम्मर चाचा के कागज के कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और पत्नी दोनों भूख से कराह रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो संकट ना आ जाए। जैसे तैसे अब जाकर बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है, अगर वहाँ जैसे तैसे पहुँच जाएं, तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पर भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है, अगर हम वहाँ चलकर अपने लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव विलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहां तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा खुचा राशन भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहां से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चलें, तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चंद्रकांत घुम्मर चाचा के घर जाकर, जो घर पानी से आधा भरा हुआ था, वहाँ से राशन की टंकी ले लेता है। घुम्मर चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुँचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे दो दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा विलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहे अनुसार गायब हो जाता है। सारे अपने गांव विलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे। ये जरूर इंद्रदेव की महिमा है। ये, अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगे। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी विलासपुर में जीवन व्यतीत करने लगते हैं।